रामानंद सागर द्वारा निर्मित रामायण का पूरा प्रसारण होने से दर्शकों के बीच इस शो को लेकर उतना ही प्रेम देखने को मिल रहा है। तो वहीं इस ऐतिहासिक शो ने फिर से कई सारे रिकॉर्ड बना दिए और वहीं ये दर्शकों का ही प्यार है कि साल 2015 के बाद दूरदर्शन फिर से भारत का नंबर वन चैनल बन गया है और वहीं इस शो के किरदार फिर से चर्चा में आ गए हैं और वहीं इस शो के सभी किरदार अभी फिर से फेमस हो गए हैं। वैसे तो आप सभी रामायण के राम और लक्ष्मण और सीता के बारे में तो सब कुछ जानते हैं, पर इस सीरियल लव कुश के बिना तो अधूरा ही है। और रामानंद सागर के उत्तर रामायण में मुख्य भूमिका में लव कुश ही नज़र आए थे, लेकिन हम वहीं राम लक्ष्मण और सीता के बीच लव कुश को तो भूल ही गए हैं। और वहीं आपको बता दें कि रामायण खत्म होने के बाद दर्शकों की भारी डिमांड के बाद उत्तर रामायण की शुरुआत रामानंद सागर ने की थी और ये शो भी दर्शकों के बीच काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था और दर्शकों ने भी इसको उतना ही प्यार दिया जितना रामायण को दिया था। और वहीं आपको बता दें कि रामानंद सागर के उत्तर रामायण में मयूरेश सीतारामदे ने लव का किरदार निभाया था और वहीं स्वप्निल जोशी ने कुश का किरदार निभाया था। और वहीं रामायण के बाकी किरदार की तरह ये भी अब बड़े हो गए हैं और कुश का किरदार निभाने वाले स्वप्निल जोशी आज 42 साल के हो गए और स्वप्निल ने 9 साल की उम्र में कुश की भूमिका निभाई थी और आज ये टीवी सीरियल के साथ ही मराठी फिल्मों के जाने माने अभिनेता है। साल 1996 में इनको रामानंद सागर के ही शो श्री कृष्णा में छोटे कृष्ण का किरदार निभाने का मौका मिला था। इसके बाद एक्टिंग की दुनिया से ब्रेक ले लिए थे और जब ये बड़े हो गए और फिर इन्होंने टीवी की दुनिया में वापसी की। इसके बाद स्वप्निल जोशी ने बहुत से टीवी शो और मूवी में काम किया और वहीं लव का किरदार निभाने वाले मयूरेश सीतारामदे इन दिनों अमेरिका में रहते हैं। मयूरेश टीवी इंडस्ट्री को छोड़कर अमेरिका के एक किसी कंपनी के सीईओ हैं और पहले ही कई अच्छी कंपनियों में काम कर चुके हैं और वहीं मयूरेश एक कमाल के राइटर भी हैं और कई किताब भी लिख चुके हैं। तो अब आपको भी उत्तर रामायण में लव कुश का किरदार कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।